हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। गाइस, अगर आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है और उसमें आप लोग एनुअल फी पे कर रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग एनुअल फी को रिटर्न ले सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड में, यानी एक तरह का रिफंड आप लोग को रिसीव हो जाएगा। आपको क्रेडिट कार्ड का कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास में दो क्रेडिट कार्ड हैं SBI के, एक है पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड जिसका दोस्तों चार्ज है 499 प्लस GST, और दूसरा मेरे पास में जो क्रेडिट कार्ड है वो है BPCL का क्रेडिट कार्ड जिसमें 1499 प्लस GST मुझे पे करना होता है एनुअल। लेकिन मैंने दोनों का दोस्तों वो जो पैसा है वो रिफंड ले लिया है अपने क्रेडिट कार्ड में, जो कि रिफंड का जो पैसा है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। सिंपल सा यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पैसा कैसे रिफंड लेना है और प्रूफ क्या है मेरे पास में कि मेरा जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में आ गया है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं लॉक कॉल के दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा पैसा रिफंड किया गया है मेरे क्रेडिट कार्ड में रिफंड किया गया है 499, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा IGST क्रेडिट, यहाँ पे 89.82 क्रेडिट किया गया है मेरे में पैसा। दोस्तों ये GST का पैसा है, और ऊपर वाला आप लोग अमाउंट देख सकते हो एनुअल फी कितनी है 499। ये मेरा जो SBI का क्रेडिट कार्ड है, ये पेटीएम वाला SBI क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये पैसा रिसीव हो गया है। और उसके बाद में आप लोग डेट्स देख सकते हो, यहाँ पे 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को मुझे ये पैसा क्रेडिट किया गया है। जो दूसरा क्रेडिट कार्ड मेरा है ये देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को डेट दिख रही होगी, इस डेट पे मेरा पैसा कटा था जिसका जो चार्ज है 1499 प्लस GST यानी 269.82 रुपीज़। ये मेरा GST है, IGST आप लोगों को दिख रहा होगा लाइव प्रूफ के साथ में, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ये पैसा मुझे यहाँ पे रिफंड कर दिया गया है मेरे क्रेडिट कार्ड में, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप लोगों को मैंने ट्रिक भी बताई है, अगर आप लोग बिना किसी चार्ज के पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है SBI का, तो मैंने ट्रिक बताई है दो कि किस तरीके से आप लोग BPCL का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, साथ में SBI पेटीएम क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो को देखकर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और सक्सेसफुल आप लोग को रिसीव होने वाला है। उसके बाद भी जो पैसा मुझे यहाँ पे है दोस्तों रिफंड कर दिया गया। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी तरीका है जिसकी वजह से ये पैसा मुझे रिसीव हुआ है। तो दोस्तों जो तरीका है उसके बारे में जान लो, आप लोगों को डरना नहीं है। पहली चीज़, आपका जो पैसा है वो बिल्कुल रिफंड कर दिया जाएगा, कोई भी डरने की बात नहीं है, और जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव भी रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको ओपन कर दिया है, एप्लीकेशन में आप लोग को आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को लिमिट दिख रही होगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइनस में 588 रुपये है, यानी मेरे में जो लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा मुझे यहाँ पे जो है रिसीव हो गया है। ये इस वजह से क्योंकि जो चार्जेस है 499 प्लस GST मुझे रिफंड किया गया है 20 तारीख को, और तब से मैंने क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग कैसे रिफंड लोगे इसके बारे में जान लो। जैसे आप लोग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ये 3 डॉट ऊपर का आपको दिख रहा है नाम के बगल में, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, सर्विस के ऑप्शन पे आ जाना है। जब आप लोग सर्विस के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन ढूंढ लेना है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोग को ऑप्शन मिलेंगे, सबसे लास्ट में आप लोग देख सकते हो कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट, आप लोग को इसमें आ जाना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपका नंबर मांगा जाएगा, OTP आएगा, OTP डाल देना है। यहाँ पे आप लोगों को कार्ड क्लोज करने की रिक्वेस्ट डाल देनी है। ये दोस्तों कार्ड क्लोज नहीं होगा, आपके पास में 3 से 4 दिन के अंदर कस्टमर केयर की कॉल आएगी, वो आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे, तो आपको बोल देना है मेरे कार्ड में एनुअल फी पड़ रही है जिसकी वजह से मैं कार्ड को क्लोज कर रहा हूँ। तो वो दोस्तों 5 मिनट के अंदर जो आपका जो एनुअल फी पड़ रहा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपने पे कर दिया होगा तब भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर आपने अभी तक पे नहीं किया है तो वहाँ पे आपको वहाँ पे हटा दिया जाएगा, वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, और आपका जो एनुअल फ़ी है आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये मैंने दो क्रेडिट कार्ड में अप्लाई की है, जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड है, और मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं जिनके पास में SBI क्रेडिट कार्ड है उन सभी को मैंने ये ट्रिक बताई, और उनका जितना भी रिफंड होता है वो सब कुछ क्रेडिट कार्ड में आ जाता है जो एनुअल फ़ी होती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो अगर आपके पास में SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये दोस्तों जेन्युइन ट्रिक है जो कि आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों को सिंपल सा रिफंड लेने के लिए क्या करना है,
आपको कार्ड को क्लोज करने की रिक्वेस्ट डाल देनी है, कस्टमर केयर की कॉल आएगी और उनसे बोलना है कि मेरा जो एनुअल फी पड़ रहा है उसको रिटर्न कीजिए, या फिर आप देने से पहले आप लोगों ने कॉल कर दिया तो आप लोगों को सिंपल सा कहना है कि जो मेरी एनुअल फी पड़ने वाली है उसको वहाँ से हटा दीजिए, तो वहाँ से वो रिमूव कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एनुअल फी देने से बच सकते हो SBI के कार्ड में। और बाकी के कार्ड की वीडियो मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।